नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वाल टीवी देख रहे हैं आप। और आपको हमने अपडेट दिखाई अंकिता भंडारी केस की, पल पल की लाइव अपडेट जेपी वाल टीवी के माध्यम से आपने देखी। इस वक्त हम पहुंचे हैं वनांतरा रिजॉर्ट में। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता भंडारी काम करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट। इसी जगह पर वो काम करती थी और इसी जगह से वो जो तीन दरिंदे जिनका नाम है पुलकित, सौरभ और अंकित, ये जो तीन दरिंदे हैं यहीं से जो है उस घटना की शुरुआत हुई। और कहीं ना कहीं वो जो लड़की अभी तक मिल नहीं पाई है और कहा ये जा रहा है कि उसका जो है चीला झील में पैर फिसल गया। तो पैर अगर फिसला है तो पैर उन लोगों का क्यों नहीं फिसला जिन्होंने की उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अभी तक इसकी सूचना नहीं मिल पाई है, लड़की की लाश नहीं मिल पाई है और ना ही लड़की का कोई पता चल पाया है। पूरे गांव वाले इस वक्त जानना चाहते हैं कि आखिर अंकिता है कहाँ, अंकिता इस वक्त क्या कर रही होगी, कहाँ होगी। अगर वो जिस भी हालत में है लोगों को उसकी जो है जानकारी पूरी पूरी चाहिए। तो उसी जानकारी के सिलसिले में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं भोगपुर गंगा के पास में। ये वनांतरा रिजॉर्ट है, चीला रोड पर पड़ता है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ग्रामीण हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार ये रिजॉर्ट पहले तो पूरी तरीके से दिखाएं। ये वनांतरा रिजॉर्ट ये है। वनांतरा रिजॉर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये रिजॉर्ट में तोड़फोड़ भी की गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ का कांच तोड़ा गया है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं काफी आक्रोश में आए होंगे क्योंकि घटना इतनी बड़ी है। और अंकिता जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस तरीके की दरिंदों के भेंट चढ़ जाती है। लेकिन ये मामला निकल करके आया जब अंकिता ने अपने दोस्त को जो कहानी बताई थी वो कहानी उसने मीडिया तक पहुंचाई, आम जनता तक पहुंचाई, वो चैट वायरल हुई और उसके बाद जो है ये सिलसिला खुलता चला गया। तो यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण मेरे साथ में हैं, पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं ताकि लोग आक्रोश में ना आए यहाँ पर खड़ी है। तो अभी जो है तीन आरोपियों को यहाँ से कोटद्वार ले जाया गया और सुनने में ये भी आया कि ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम अभी तक अभी तक वनांतरा रिजॉर्ट में आप हैं, क्या कुछ घटनाक्रम आपने देखा है? वनांतरा रिजॉर्ट मुझे कम लगा, आतंकवादियों का अड्डा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पर जैसे कि आप भी बता रहे हैं यहाँ पर अय्याशियों का अड्डा भी इसे कह सकते हैं क्योंकि प्लेन्स के लोग इतने दूर जंगल में ये रिजॉर्ट बना है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता। तो ऐसे में किसी लड़की के साथ में अगर कोई कांड करना हो, कोई गलत चीज करनी हो तो ये जगह परफेक्ट है। यहाँ पर पुलिस को आने में भी टाइम लगेगा, रात में कोई अनहोनी हो जाती है तो ये जगह काफी दूर है, झील में किसी को भी डाला जा सकता है, जंगल में गायब किया जा सकता है। देखो इतनी जगह तो कोई जो जिसके अच्छे माँ बापों ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, इतनी दूर तो कोई आ नहीं सकता है। यहाँ वही आ सकते हैं जो आतंकवादी हो, हेमंत के वो हो, जो जिनके अपने माँ बहन ना हो, वही लोग इतनी दूर आ सकते हैं। वो लड़की इतनी दूर जो है पौड़ी की, वो लड़की है इतनी दूर यहाँ पर काम करने के लिए आई थी और 22 दिन उसे सिर्फ यहाँ पर काम करते हुए हुए था और उसके साथ में ऐसी चीजें हुई। पहले उसे छेड़खानी उसके साथ में की गई और अब जो है वो लड़की इन हैवानियत की भेंट चढ़ चुकी है। देखो वो लड़की, देखो एक परिवार की बहुत बड़ी मजबूती होती है। देखो आप भी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँ, मेरी भी बालिका है, अपने माँ बाप, उसके माँ बाप कितने गरीब हैं मुझे पता है। अपने माँ बापों को पालन पोषण करने के लिए उस लड़की के सपने थे कि मैं अपने माँ बाप को ढंग से पालूँ, पर उसके सपनों को इन हैमतों ने, इन आतंकवादियों ने चकमाचूर कर दिया। मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है और मैं अपने खुले दिल से कहना चाहता हूँ इन आतंकवादियों को जनता के हवाले कर देना चाहिए और जनता इनको पूरी तरह से, इनको अपनी तरह से जो भी होगा वो करेगी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, देखो अंकिता भंडारी और उसके पिताजी बहुत ही, उन्होंने ऐसी जिंदगी जी है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ आपसे, ये बात शेयर नहीं कर सकता हूँ, पर उसके साथ तो मेरे को लग रहा है कई दिनों से इन लोगों ने बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। जिस हिसाब से उन तीन चार लड़कों ने जो अभी पुलिस की कस्टडी में है उन्होंने इस बात को खुलासा किया है और वो लड़की 10 बजे रात तक यहाँ पे खड़ी थी, बेबस होकर रो रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ, मगर स्टाफ के लोग नीचे आए, स्टाफ के लोगों से, उसके जो इसके मैनेजर हैं, जो इसका मालिक है, उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम अंदर जाओ। इसके बाद इनके जो तीन लड़के थे जो आतंकवादी थे, हिंदुस्तान के आतंकवादी कहूँगा मैं, इनकी माँ नहीं बहन नहीं है, इन आतंकवादियों ने उस लड़की के साथ क्या अपराध किया होगा, वो लड़की कहाँ होगी, मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है। मैं उस परिवार के साथ आज 24 घंटे खड़ा हूँ, मैंने अपनी नौकरी दांव पे लगा रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा फिर हम
जो राज्य में हमने 94 में भी आंदोलन किया था, उस आंदोलन के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। उत्तराखंड की बेटी अब हमारी देवभूमि में भी सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को जो है यहाँ का उदाहरण देते थे कि हमारी देवभूमि में आइए, यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होती है, लेकिन लोगों ने इसको भी अय्याशी का अड्डा बना दिया। ऐसे में अगर किसी को नौकरी करनी हो तो क्या लड़की वो सेफ नहीं है, नौकरी करने कहाँ जाए वो, क्या वो लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती? अब माँ बाप को अब कितना एहसास हो रहा है कि मैं अपनी बालिकाओं को कहाँ भेजूँ पढ़ा लिखा के? सारी अपने माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते कि कल वो नौकरी करेगी, अपने पाँव में खड़ा होगी, फिर मैं इसका शादी ब्याह करूँगा। पर आज इस तरह से जिस तरह घटना हुई है, अब कोई माँ बाप डर के मारे अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने भी बहुत बड़ा कतराएगा और ये सोचेगा कि मैं अपनी बेटी को तो भेज रहा हूँ, पर कहीं कोई शैतान रास्ते में इसके साथ कुछ अन्याय न कर दे। तो इसमें सभी माता बहनों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खड़े उठ जाओ उत्तराखंड के लिए, जैसे आपने राज्य बनाया है, इन आतंकवादियों का सर्वनाश करो, सर्वनाश करो, सर्वनाश करो। यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं। हाँ जी सर, आप यहाँ पर हैं, यहाँ की स्थिति आपने देखी। अंकिता भंडारी का जो केस है वो यहीं से शुरू हुआ था, यहीं पर वो जो लड़की है जॉब करती थी, तो क्या कहें? मेरा मानना है लड़की यहाँ अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ आई थी नौकरी करने के लिए, इन दरिंदों ने जो उसके साथ गलत किया है। मेरा मानना यह है कि कम से कम पहले तो इस रिजॉर्ट को एक प्लेन धरती कर दिया जाए और उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए, मेरा ये मानना है। जो पुल की तारिया है वो पूर्व राज्य मंत्री का बेटा बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या न्याय मिल पाएगा अंकिता को, क्योंकि वो जो है भारी भरकम एक बैकग्राउंड से लोग हैं, तो ऐसे में जनता का विश्वास भी रहता है, क्या एक गरीब परिवार की लड़की को न्याय मिल पाएगा? मेरा मानना है सबसे पहले शासन प्रशासन और अपने ऊपर सचिवालय तक जो मुख्यमंत्री धामी को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, और जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय के साथ साथ आम जनता को सबसे पहले जो महिला मंगल दल है, अन्य मंगल सामाजिक संगठन है, उनको सबसे पहले आना पड़ेगा, और साथ साथ सबसे पहले मुख्यमंत्री को यहाँ जरूर आना पड़ेगा और उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हर चीज में न्याय, सबसे पहले न्याय के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हाँ जी सर, आपसे बात करेंगे। ये जो अभी गिरफ्तार हुए हैं पुलकित आर्या जी, विनोद आर्या जी के बेटे हैं और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में एक गरीब परिवार की लड़की को क्या न्याय मिल पाएगा जो इतने दूर यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई थी, अपना घर चलाने के लिए आई? अगर हम इस लड़की के लिए कुछ ना कर पाए अंकिता भंडारी के लिए, तो हमें डूब के मरना चाहिए। हम सब उत्तराखंड वासियों को डूब के मरना चाहिए। अगर अंकिता बिष्ट को न्याय नहीं मिला तो हम बताएंगे कि हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे ये कहने का मतलब है कि सारा हुजूम यहाँ पे आना चाहिए और सारा हुजूम यहाँ पे इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के ऊपर बनाना चाहिए। पटवारी है, उसको भी कहा जा रहा है कि उसने 5 दिनों का गोलमोल घुमाया और कल जो है केस यहाँ लक्ष्मण झूला में लिखा गया। मैडम, अगर पटवारी के घर में ऐसी कोई मान लो मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या वो उनके यहाँ भी ऐसे टाइम लगेगा? मुझे नहीं लगता कि वो तो एक मिनट में अपनी रिपोर्ट लिखवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो पटवारी है, पटवारी के हाथ में पूरी पावर है। क्यों? और वो बेचारा गरीब आदमी, वो बेचारा भटकता रहा, दर भटकता रहा, उसको कुछ नहीं मिला तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है। यहाँ पर काफी सारे लोग पहुंच रहे हैं, ग्रामीण भी यहाँ पर हैं, आप स्थिति देख सकते हैं। हाँ जी, आप अभी इसी वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ की स्थिति, अंकिता केस को आपने सुना जाना, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, जो ये मामला है ये देवभूमि को सर्वसार करने वाला मामला है, और जो भी व्यक्ति है, जो मामला सामने आया है, उनको सजा होनी चाहिए और सब लोगों को इस लड़ाई को एक अभियान बनाकर लड़ना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचना चाहिए और इंसान को समझना चाहिए। ये घटना आज अंकिता के साथ हुई, कल किसी के साथ भी हो सकती है। तारिया जो कि एक राजनेता का बेटा है और पूर्व मंत्री भी वो रह चुके हैं, ऐसे में एक गरीब परिवार की लड़की को क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, राजनीतिक विषय उनका अलग है, लेकिन जो भी व्यक्ति है दोषी की हम बात करेंगे तो उसको सजा मिलनी चाहिए और उसकी सजा के लिए हम भी मांग कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर से मांग कर रहा है। अभी जो है लक्ष्मण झूला थाने पे हम गए थे तो पुलिस वाले कहते हैं कि अंकिता का पैर फिसल गया चीला झील में और इसलिए जो है वो हमारे बीच में नहीं रही, तो इस पर क्या कहें? देखिए, पुलिस अगर किसी भी तरह से अगर सबको गुमराह करने का काम करेगी तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आज ये घटना जो है सबको पता है, अभी मैं पुलिस से मिल के आया तो पुलिस ने तो कहा है कि उन्होंने कबूला है, और उन्होंने कबूला है तो सजा मिलेगी उनको। और पुलिस अगर इस
घटना को भटकाने की कोशिश करेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहां पर लड़की जो है हैवानियत की भेंट चढ़ गई, लेकिन ऐसे में हर बार क्या होता है कि मोमबत्ती लेके लोग सड़कों पे आते हैं, चार पांच दिन जोर शोर होता है, सोशल मीडिया पर हल्ला होता है, लेकिन बाद में ना न्याय मिलता है ना कुछ, वो मुद्दे वहीं दब जाते हैं और हम इंतजार करते हैं एक नए गर्म मुद्दे का और सरकार भी ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती है कि ऐसी घटना दोबारा हो ही ना। देखिए, इस पर सरकार भी निर्णय लेगी और पब्लिक भी निर्णय ले चुकी है और आप, हम, मीडिया सभी लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि इस घटना, देखो, देव भूमि को दैत भूमि बनाने में कुछ लोगों का हाथ है और उन लोगों के प्रति आज सब लोग जाग रहे हैं। मुझे बहुत दुख है कि आज उस बहन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। जिससे पहले कि किसी और के साथ हो, उससे पहले हमें जागरूक होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है और इस विषय को बहुत गंभीरता से समझने की विषय है और बहन के साथ खड़े होने की जरूरत है और हम लोग खड़े हैं। हाँ जी सर, अभी आप ये रिजॉर्ट देख रहे हैं, वनंतरा रिजॉर्ट, यहीं पर वो लड़की काम करती थी, तो क्या कुछ स्थिति अभी तक आपको समझ में आई है और क्या लगता है क्या कुछ हुआ होगा या फिर आगे क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जो प्रकरण हुआ है सबको मालूम है क्या प्रकरण हुआ है। हम भैरव सेना के लोग हैं, हमें सिर्फ एक ही काम आता है और हमें भैरव दंड उठाना आता है और भैरव दंड उठ चुका है। आज यहाँ के लोगों ने जिस तरह से उन लोगों की यहाँ पे धुलाई की है, जिस तरह से यहाँ पे उस अंकिता भंडारी की लिए लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये वाकई में उत्तराखंड के लिए पहला मामला। अभी आपने कहा कि लोग भूल जाएंगे, लोग मोमबत्तियाँ लेके निकल जाएंगे, ऐसा अब उत्तराखंड में नहीं होगा। उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा वीरता का परिचय दिया है। बीरचंद सिंह गढ़वाली भी उत्तराखंड के थे और आज अजीत डोभाल जी भी उत्तराखंड के ही हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह का उत्तराखंड में नहीं चलेगा और 26 तारीख को हमने आह्वान कर रखा है यहाँ पर कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर एकत्र हों। जो काम हमें उस दिन करना था वो काम आज भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता जागरूक हो और इस तरह के आरोपियों को किसी भी प्रकार का जो है सरकार संरक्षण न दे। ऐसे लोगों को जो है अगर किसी पद पर हैं तो इनके पद से इनको निषेध कर दिया जाए। हम लोग इनका घोर विरोध करते हैं और उत्तराखंड में बहन बेटियों की रक्षा के लिए अब हम लोगों को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जयकारा बजरंगे। की जो स्थिति हमने देखी, हम लक्ष्मण झूला सुबह गए थे वहाँ पर, तो सभी पत्रकार लोग आए थे, आप लोग आए थे, हमने देखा वहाँ पर जो वहाँ का माहौल था। लेकिन जो अंकिता भंडारी है, चाहे वो हमारी बेटी है चाहे किसी और की भी है, ठीक है, लेकिन जो वहाँ न्याय मिलना था वो नहीं मिल पाया। आप जैसे देख रहे हैं कि आप यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ पर ये किस लिए खड़ी है, हमारे लिए या अंकिता भंडारी के लिए या जो आरोपी है उसके लिए? तो ये तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि इस विषय में जो इसकी कार्रवाई हो, उचित से उचित कार्रवाई हो और उनको सजा मिले जाए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी जी मेरे साथ में हैं। सर, ये स्थिति आपने अभी तक देखी, इस रिजॉर्ट की अंकिता भंडारी केस को भी जो है करीब से आपने देखा, तो क्या लगता है अभी तक का क्या मामला है और आगे के लिए क्या कुछ चाहते हैं? बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा कि ये हमारे देवभूमि में इस तरह के लोग यहाँ पे आए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों को मैं सरकार से भी और प्रशासन से भी कि जल्दी से जल्दी इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करके क्या, जो लोग अभी जो सुनने में आया है कि मिसिंग की रिपोर्ट करने भी जो रिसोर्ट के मालिक हैं उनके पापा भी साथ में जा रहे हैं, उनको सब चीज़ पता है, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 6 दिन से जो लड़की के पापा यहाँ पड़े हुए हैं, 6 दिन से उनको किस तरह से, वो लोगों ये बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है ये कि इस तरह के लोग इस प्रदेश में घुस चुके हैं और अपने रिसोर्ट जंगलों में बना के इस तरह के वारदातें इन जंगलों में। ये केस अंकिता के साथ, इसमें न मालूम कितने केस पहले हो चुके हों, इसका पता लगना चाहिए प्रशासन को। ये भी आया कि इससे पहले भी यहाँ से लड़कियाँ गायब हो चुकी हैं। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले, अभी तो ये अंकिता का केस थोड़ा सा मंदा लिए आ रहा है, इससे पहले क्या पता चल रहा है यहाँ पे इस जंगल में कौन। आप भी पत्रकार बंधु हैं, देखिए आप लोग कितनी बार यहाँ पे आए, ये देखिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस तरह के जो रिसोर्ट हैं जहाँ इस तरह के काम हो रहे हैं, इन पे बोल्डर चलाने का काम करें आप। ये जंगलों में किस तरह से इनकी परमिशन है कि नहीं है ये देखें। और इस केस में अंकिता भंडारी वाले में या किसी के साथ में भी इस तरह का केस ना हो, ये प्रदेश के, मैं अपने प्रदेश के, एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे में तो ना बेटी बच पा रही है ना पढ़ पा रही है और ना ही नौकरी कर पा रही है घर से बाहर, तो कैसे हमारे उत्तराखंड में जो है लड़कियां सुरक्षित रह पाएगी? एक तरफ हम जो है देवभूमि को एग्जाम्पल देते हैं बाहर कि हमारे देवभूमि में आइए, लेकिन अब देवभूमि भी शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। मेरा कहना है कि ये हमारी देवभूमि पुकारी जाती है। यहाँ जो चीज इस समय
देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप अंकिता भंडारी जी के साथ में भ्रष्टाचार से लेके हर चीज मंडल, इस समय हर मुद्दा मंडल इस हमारे प्रदेश में निकल रहा, तो ये सोचने वाला विषय है। और मैं पूरे प्रदेश की जनता के साथ में खड़ा हूँ कि एक साथ सब लोग खड़े होके इस तरह के केस हमारे इस प्रदेश में ना हो, एक साथ खड़े होके और अंकिता के साथ दें। और ये जो जितना सबर लोगों का अभी 6 दिन तक हो चुका है, अगर ये जल्दी से अंकिता बरामद नहीं करते हैं या अंकिता कहीं नहीं मिलती है, तो हम मंडल मुख्यालय पौड़ी में ये पूरा जन आंदोलन, इस तरह से उग्र आंदोलन को वो संघर्ष करेंगे जब तक अंकिता हमको मिलती नहीं है। धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय लोग भी मेरे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ वो जानते हैं, क्या कुछ अभी तक की अपडेट रही। अपडेट तो जो बताया जा रहा है कि अभी भी काफी लोगों को सुनने को मिला कि अंदर है, उसके बॉडी अंदर मिल सकते हैं, अंदर बांध रखी होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे पुलिस वालों ने रेस्क्यू कर रखा और हम भी जो है मॉर्निंग 10 बजे से यहाँ पे है खड़े हो रखे, पर अंदर नहीं जाने दिया। अभी इधर दिखाएंगे तो इधर तोड़ फोड़ की थोड़ा, ठीक है, और उसके बाद हमें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कब से हैं यहाँ पर? मॉर्निंग 10 बजे से, 10 बजे से। 10 बजे से क्या कुछ हुआ है? सुनने में ये भी आया है कि पुलिस की गाड़ी भी रोकी गई थी, तोड़फोड़ स्थानीय लोगों ने की थी, तो क्या ये बात सच है? हाँ, पुलिस की गाड़ी पे कोई तोड़फोड़ नहीं की थी, यहाँ जो किया होगा उस पे क्या, पुलिस की गाड़ी पे कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। और दूसरी बात है कि पुलिस वाले स्थानीय लोगों को भी आगे से आने नहीं दे रहे थे, हम भी बड़ी मुश्किल से आए यहाँ मॉर्निंग में। और बाकी ये पता चल रहा और चलना भी चाहिए पता, मतलब कि ये अपना जो उत्तराखंड है इसमें जो हो रहा है ये गतिविधियाँ पहले होती नहीं थी, अभी जो हुआ खुद दहल गया, दिल दहल गया। मैं खुद देहरादून से जॉब करता हूँ, देहरादून सुना कल की ऐसे हो गया, तो मैं फिर आया, 2-4 भाई लोग और हैं मेरे साथ उधर खड़े हो रखे, ठीक है। परंतु अभी पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, हम भी खड़े रहेंगे जब तक पूरा पता नहीं चलता अंदर क्या। अंदर 10-12 लोग अभी स्टाफ के भी है जो बताया जा रहा है कि अंदर ही है, अभी वो बाहर के हरियाणा के लड़के हैं, अब देखते क्या होता है। ये रिजॉर्ट आप देख रहे हैं जंगल के बीच है, शहर से काफी दूर है, ऐसे में अंकिता यहाँ पर नौकरी कर रही थी, सुरक्षित नहीं थी, तो उत्तराखंड की जो लड़कियां हैं कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? देखो ये चीजें थोड़ा लड़कियों को भी सोचनी चाहिए कि किस जगह पे कहाँ पे जॉब कर रही है, और उसको जब लड़की को भी इतना होना चाहिए था, जब 1 महीने से वो जॉब कर रही थी कहीं ना कहीं उसे लगा होगा कि मेरा मतलब हरेसमेंट हो रहा है यहाँ, उसको भी लोकल बंदों से हेल्प लेनी चाहिए थी। अच्छी बात है उसने जम्मू के बंदे से हेल्प ली, ठीक है, परंतु जो लोकल होते हैं के बंदे तो शायद घटना नहीं होती अगर लोकल के बंदों से हेल्प लेती, वो बहुत बताती बाहर बताती तो नहीं हो पाता ऐसे। और ये सब ये पता चल रहा है कि पहले भी हो चुका है, एक लड़की पहले भी गायब हो चुकी है, पर गरीब थी वो, उसका पता नहीं चला। अब जब ये बात तब उठ रही जब ये केस हुआ और जम्मू के लड़के ने जब चैट पे चैट पढ़ाई तो ये परतें खुली इस केस की, नहीं तो ये बोल लेते कि डिप्रेशन में जाके लड़की ने सुसाइड कर लिया, कि झील में आगे झील में सुसाइड कर लिया। वनंत्रा रिजॉर्ट की क्या कुछ स्थिति है, जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आपने देखा अंकिता भंडारी से जुड़ी केस की हर अपडेट आप तक हम जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर, मैं रोशनी खंडूरी।